Good morning students, welcome back to mathematics class. Today we see the bridge course of 9th English and semi English. Last lecture we completed full exercise of day 1 and day 2. So today's lecture we complete day 3 and day 4. तो देखो स्टूडेंट, डे 3 और डे 4 में जो भी सिनॉप्सिस है वो भी मैं बता रहा हूँ, और उसके साथ जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट वो एक्सरसाइज भी मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ. देखो डे 3 में क्या क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री. ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स वो हमको पढ़ना है. तो ग्रुप ए, जो ग्रुप है ए है स्टूडेंट्स, उसमें देखो ये जो फर्स्ट है इसको क्या बोलते हैं, अ पॉइंट ए. उसमें मैच द पेयर्स है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सी इज द लाइन सेगमेंट. मैच द फॉलोइंग बोला है, सी इज द लाइन सेगमेंट. ये क्या है स्टूडेंट्स, ये लाइन है. दोनों साइड से अगर एरो है तो ये क्या है, लाइन है. ये क्या है, पॉइंट है. और एक साइड से एरो है और एक साइड से डॉट अगर है तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं रे. यानी ये लाइन यहाँ पे स्टॉप होगी, एरो यानी यहाँ पे आगे एक्सपांड हो सकती है. ये लाइन है, दोनों जगह एक्सपांड हो सकती है. ये लाइन सेगमेंट है, ये इधर भी बढ़ेंगे नहीं और इधर भी बढ़ेंगे नहीं, उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, देख लो. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, पॉइंट लाइन एंड लाइन सेगमेंट एंड रे क्या होता है. अ पॉइंट डॉट इज शोन बाय अ टीनी डॉट, टाइनी डॉट. वी कैन यूज अ पेन और शार्प पेंसिल टू मेक अ डॉट. जैसे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये क्या है, डॉट है. कैपिटल लेटर्स ऑफ रोमन अल्फाबेट आर यूज टू नेम अ पॉइंट. पॉइंट डिनोट करने के लिए मैं कैपिटल अल्फाबेट यूज कर सकता हूँ. द पॉइंट हैज नो लेंथ, पॉइंट को लेंथ नहीं रहती है, ना ब्रेथ रहती है, ना हाइट रहती है. द पॉइंट्स पी क्यू आर शोन इन फिगर. जैसे यहाँ पे इस फिगर में पी क्यू आर ये दिए है, तो उसके बाद क्या है शोन, लाइन. वी ड्रा अ लाइन व्हाइल ड्राइंग अ पिक्चर रंगोली एज शोन इन एडजेसेंट फिगर. तो ये क्या है शोन, ये लाइन है. उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट है लाइन. किसको बोलते हैं लाइन, एरो हेड्स आर यूज एट बोथ द एंड्स ऑफ लाइन टू इंडिकेट दैट लाइन कैन एक्सटेंडेड इन्फाइनेटली ऑन बोथ साइड्स. ये जो एरो दिया है शोन, इसका मतलब होता है कि ये लाइन दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में एक्सपांड हो सकती है. उसके बाद द लाइन कैन बी नेम इन टू वेज. लाइन को मैं दो तरीके से नेम दे सकता हूँ. जैसे पी डॉट की है तो लाइन शोन इन एडजेसेंट फिगर इज रीड एज, किसको कैसा पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने यम दिया है तो मैं लाइन यम भी बोल सकता हूँ या फिर लाइन पी क्यू भी बोल सकता हूँ. उसके बाद देखो स्टूडेंट लाइन सेगमेंट क्या होता है. लाइन सेगमेंट यानी अ सेगमेंट इज अ पीस ऑफ लाइन. अ लाइन सेगमेंट हैज टू पॉइंट्स शोन इन द लिमिट, इट्स लिमिट्स दे इज कॉल्ड एंड पॉइंट्स. तो ए और बी क्या है, ये लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट. इसमें ए ये आगे एक्सपांड नहीं सकती लाइन, यहाँ पे स्टॉप होगी, यहाँ पे बी भी स्टॉप हो गया. वी राइट द लाइन सेगमेंट ए बी, वी रीड एज सेट सेगमेंट ए बी. इन शॉर्ट ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स. ए और बी क्या है, एंड पॉइंट्स है स्टूडेंट्स. उसके बाद रे देखो, व्हाट इज मीन बाय रे. रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक पार्ट है रे. इट कैन बी एक्सप्लेन इनडिफाइनेटली ऑन वन साइड. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे इज कॉल्ड ओरिजिन. देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है रे का, ये है, ठीक है ना, ये क्या है, ओरिजिन है. और यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है तो इधर कदर कंटिन्यू है. हियर पी इज द ओरिजिन एंड एरो हेड इज ड्रॉन टू शो दैट रे इज इनफाइनाइट इन डायरेक्शन ऑफ क्यू. जैसे ये डायरेक्शन में एरो है, ये इधर इनफाइनाइटली बढ़ सकती है. द फिगर कैन बी रीड एज रे पी क्यू. इसको पढ़ेंगे कैसा स्टूडेंट, रे पी क्यू. द रे पी क्यू इज नॉट रीड एज रे क्यू पी. रे पी क्यू को हम रे क्यू पी नहीं बोलेंगे क्योंकि पी क्या है, मेरा ओरिजिन है. ओके स्टूडेंट, तो उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज देखो, ये एक्सरसाइज है. देखो एक्सरसाइज 3 क्या दिया है स्टूडेंट्स, ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम्स. पॉइंट पी उसमें मुझे मेंशन करना है, लाइन यम मेंशन करनी है, सेगमेंट पी क्यू मेंशन करना है,
और रे यमिन मेंशन कर रहा है। तो देखो स्टोन, ये मैंने डायग्राम बनाई है, देखो इसमें पॉइंट पी भी आ गया, लाइन यम, ये टोटल लाइन यम है, सेगमेंट पी क्यू, ये सेगमेंट पी क्यू है क्योंकि इधर अभी ये स्टॉप हो गए, ये लाइन रे यमयन, यम और यन ये क्या है, यमयन रे है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है स्टोन, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द फॉलोइंग लाइन ए बी सी डी, इसके डिफरेंट नेम मैं कैसे बता सकता हूँ, लाइन यल, इसमें पहले मैं नाम दे रहा हूँ, ये होगी मेरी लाइन यल, लाइन ए बी भी बोल सकता हूँ मैं, लाइन ए सी भी बोल सकता हूँ, लाइन बी सी भी बोल सकता हूँ, लाइन सी डी भी बोल सकता हूँ, या लाइन बी डी भी बोल सकता हूँ, या फिर लाइन ए डी भी बोल सकता हूँ। तो ये हो गया स्टोन आपका थर्ड डे और उसका सोल्यूशन। उसके बाद स्टोन हम फोर्थ डे देख लेंगे। एक दिन में मैं टू डेज की एक्सरसाइज और उसका सिनॉप्सिस बता रहा हूँ। डे फोर में देखो स्टूडेंट पॉइंट कौन से पढ़ने हैं आपको, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके आपको दिया है, देर आर 9 पॉइंट इन फिगर, इस फिगर में 9 पॉइंट दिए, उसको नेम देम, इफ यू चूज एनी 2 पॉइंट हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू द पेयर। तो दो लाइन में स्टूडेंट, जैसे मैं ये 2 पॉइंट दे रहा हूँ, उस 2 पॉइंट में एक ही लाइन पास होंगी, ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है स्टूडेंट। तो वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी 2 डिस्टिंग पॉइंट्स, विच 3 और मोर ऑफ दिस 9 पॉइंट्स लाइन ऑन स्ट्रेट लाइन, 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट। किसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर है वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन आते हैं, जैसे मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ और ये एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तो इसको मैं क्या बोलूँगा स्टूडेंट्स, कोलिनियर पॉइंट बोलूँगा। तो हमेशा के लिए याद रखो कि अगर एक लाइन में 3 से ज़्यादा पॉइंट आते हैं तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ऑफ दिस 9 पॉइंट्स नेम एनी 3 और मोर पॉइंट्स विच डू नॉट लाई इन द सेम लाइन, पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। और जो पॉइंट्स स्टूडेंट एक लाइन में नहीं आते उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ये देख लो एक्सरसाइज डे फोर की। देखो डे फोर में क्या दिया है, फर्स्ट लुक एट द फिगर अलोंग एंड नेम द फॉलोइंग, ये फिगर दिए स्टूडेंट, इसको नेम देने कोलिनियर पॉइंट्स, कौन से होंगे कोलिनियर पॉइंट, मैंने अभी बताया कि कोलिनियर पॉइंट ने क्या होता है, अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन में आते हैं तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो देखो पॉइंट एम ओ टी ये एक लाइन में आ गए, मैं बोल सकता हूँ पॉइंट्स एम ओ टी ये कोलिनियर पॉइंट्स है, और ये भी एक लाइन में आ रहे हैं आर ओ एन, ये भी कोलिनियर पॉइंट्स है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो स्टोन, रेज कौन से रेज है इसमें, रे ओ पी, रे ओ पी, रे ओ टी, रे ओ एस, रे ओ आर एंड रे ओ एम, ये क्या है रेज है। उसके बाद लाइन सेगमेंट कहाँ पे, इसमें लाइन सेगमेंट यानी क्या होता है, सेगमेंट यम टी, ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि ये इसके बाद एक्सपांड नहीं होंगी, इसके बाद इधर एक्सपांड नहीं होंगी, और सेगमेंट आर एन, सेगमेंट आर एन ये क्या है, लाइन सेगमेंट है स्टोन। उसके बाद नेक्स्ट है लाइन्स, लाइन्स कौन सी है, लाइन आर एन ये है, और सेकंड है स्टोन्स, लाइन कौन सी है, लाइन आर एन, लाइन आर एन, और ये लाइन एम टी। तो ये हो गया स्टोन कंप्लीट एक्सरसाइज, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो, ठीक है स्टोन। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में हम डे 5 और डे 6 देखेंगे।